रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट 02। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि फेस वॉश जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ा प्रोडक्ट है और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और इसकी खपत भी बहुत ज़्यादा होती है। फेस वॉश एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में आज के दौर में इस्तेमाल तो हो ही रहा है, चाहे वो विलेज हो चाहे वो सिटी एरिया हो। तो इस प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है इसी वजह से बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे इसी फेस वॉश के बारे में जो चारकोल बेस पे है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट्स को शुरू करने से पहले करता हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के बिजनेस आइडिया और प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस तरह के प्रोडक्ट को सीखना चाहते हैं और ट्रेनिंग करना चाहते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को, तो मेरी ट्रेनिंग सीशन जो है मैं मुंबई में और दिल्ली में दोनों जगह अरेंज करवाता हूँ। मुंबई में 6 और 7 तारीख को है ट्रेनिंग और दिल्ली में 26 और 27 को है। 26 तारीख को कॉस्मेटिक की और 27 तारीख को क्लीनिंग की, और मुंबई में 6 तारीख को क्लीनिंग की और 7 तारीख को कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में दोस्तों जो भी प्रोडक्ट्स मैं कवर कराऊंगा इसी तरह कवर कराऊंगा। बहुत ही मिनिमम रेट में आपको प्रोडक्ट्स बनाना सिखाया जाएगा, कि तरह मिनिमम रेट में प्रोडक्ट बनते हैं, क्या इफ़ेक्ट करते हैं और क्या क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कौन से स्किन के लिए, कॉस्मेटिक की बात की जाए तो, और क्लीनिंग की बात की जाए तो उसमें जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी 10 रुपये से नीचे बनेंगे, चाहे वो हैंड वॉश हो, डिश वॉश हो, या फ्लोर क्लीनर या टॉयलेट क्लीनर हो। क्योंकि आजकल रेट जो है मार्केट में क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, उसके रॉ मटेरियल्स का बहुत इंक्रीज़ कर गया है, तो उससे कम रेट में कैसे बनाना है वही हम आप सीखने वाले हैं आने वाले ट्रेनिंग में। जिससे दोनों ट्रेनिंग अगस्त में है, इसकी फ़ीस जो है क्लीनिंग की 3,500 और कॉस्मेटिक के 4,500। ट्रेनिंग की पूरी डिटेल जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन जरूर फॉलो करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ट्रेनिंग में जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों इस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंस जो कि मेन इंग्रीडियंस है हमारा, वो होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड आप कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स में भी पाएंगे। सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके चेहरे से पुराने स्किन को निकाल के नए स्किन को लाता है। इसका सेकंड बेनिफिट दोस्तों ये है कि ये आपकी स्किन को रिंकल फ्री रखता है। इसके साथ साथ ये कील मुहासों को भी होने नहीं देता है। अगर कील मुहासे हैं आपके चेहरे पे तो इसे भी रिमूव करने का काम ये करता है। इसके बाद हमारा सेकंड मेन इंग्रेडिएंट्स है चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, चारकोल पाउडर बहुत ही बेनिफिट देता है हमारे स्किन को। बाकी यहाँ पर हम लेंगे बेस, फेस वॉश बेस लेंगे। यहाँ पर फेस वॉश बेस किस तरह बनाना है या फेस वॉश किस तरह बनाना है, अगर आपने नहीं देखा है मेरे पुराने वीडियो को तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है किस तरह आप बेस को बना सकते हैं या किस तरह आप फेस वॉश को बना सकते हैं। इसके बाद हमारा थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे सैलिसिलिक एसिड। अगर आप लिक्विड फॉर्म में ढूंढें तो ये लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा मार्केट में, तो आपको थोड़ा सा ले लेना है। पानी की मात्रा भी थोड़ी सी होगी। याद रखिए दोस्तों इसका पीएच वैल्यू मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीएच वैल्यू दोस्तों हमेशा ही रेड आएगा क्योंकि ये एसिड है, तो आप देख सकते हैं इसका पीएच वैल्यू जो है रेड है। तो इस पीएच वैल्यू को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप प्रोडक्ट्स बनाएं तो उसका पीएच वैल्यू जरूर मेंटेन करें। पीएच वैल्यू मेंटेन करने के लिए आप नॉर्मल बेकिंग सोडा को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एक अल्कलाइन है। बेकिंग सोडा के घोल को बना के रख सकते हैं जाके आपके पीएच वैल्यू में मेंटेन करने में काम आए। तो इसमें से हम थोड़ी सी मात्रा इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे पीएच वैल्यू मेंटेन करने के लिए और इसे मिक्स कर लेंगे। हम देख सकते हैं ये मिक्स हो चुका है। अब इसका पीएच वैल्यू हम चेक करेंगे कि अब इसका पीएच वैल्यू क्या है। आप देख सकते हैं इसका पीएच वैल्यू इस समय ग्रीन आ रहा है। इसी पीएच वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। एक बार हमारा पीएच वैल्यू मेंटेन हो जाता है दोस्तों, उसके बाद हम इसमें फेस वॉश के बेस को ऐड करते हैं। फेस वॉश के बेस में हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर रखा है। तो फेस वॉश बेस अगर बनाना सीखना चाहते हैं तो लिंक को जरूर फॉलो करें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को जो कि है चारकोल। चारकोल को हम चम्मच से भी थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हैं। याद रखिए जितने हम प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं उसमें उसके लास्ट के फोर्थ भाग को जरूर ऐड करें। हम चारकोल पाउडर को ऐड करेंगे थोड़ी सी मात्रा में, इसमें से ले लेते हैं, चम्मच की ज़रूरत नहीं है, इतनी सी मात्रा हम ले लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे।
अगर आप इस तरह बनाना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। चारकोल पाउडर अगर आपको लेना हो तो आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगा, आपको सैलिसिलिक एसिड भी लेनी हो तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, तो दोनों को आप ले के वहाँ से बना सकते हैं। फेस वॉश का जो बेस है आपको इसको घर पर बनाना है, जिसे बनाने का तरीका मैंने बता दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है मेरे वीडियो की, उसको देख लीजिए, आपको बनाना आ जाएगा फेस वॉश के बेस को। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर वेट करें। तब तक के लिए।